कर ले बट थ्रू हब, ये तो हो सकता है। बट ये कम्युनिकेशन तब होगी जब इधर का जो रूट एडवर्टाइज्ड है वो रूट यहां से एडवर्टाइज आगे किसी और को हो। अगर ऐसा होगा तो ही मुमकिन है ना कि स्पोक स्पोक से बात कर सके। और आपको पता है जब आप MGR इंटरफेस बनाते हैं तो इस MGR इंटरफेस के ऊपर स्प्लिट होराइजन EIGRP में आ जाता है, तो हमें स्प्लिट होराइजन को टर्न ऑफ करना होता है। अगर आप इसको टर्न ऑन रहने देंगे विच इज डिफॉल्ट, तो फिर कोई स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकेगी। अगर आप ऑफ कर देंगे इसको तो स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन हो सकेगी। तो स्प्लिट होराइजन को इस इंटरफेस पे ऑफ करने के लिए हम क्या कमांड देंगे? नो आईपी स्प्लिट होराइजन EIGRP 1। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा फेज 1 DMVPN भले फेज 1 ही रहे बट स्पोक टू स्पोक ट्रैफिक जा सके वाया हब राउटर, इसलिए हम ये स्प्लिट होराइजन को ऑफ कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पोक्स में बहुत सारे रूट्स ना जाएं तो हम लिख सकते हैं आईपी समरी एड्रेस EIGRP 1 192.168.0.0 255.255.0.0। सो हम रूट समराइजेशन अप्लाई कर देते हैं। इसका फायदा ये है कि आप एज्यूम कीजिए आपके पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, तो जब आप यहां से स्प्लिट होराइजन ऑफ करेंगे तो हर ब्रांच में हर दूसरी ब्रांच का रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर ब्रांच में 1000 रूट्स। अब जरूरी नहीं है हर ब्रांच का राउटर बहुत हैवी किस्म का राउटर लगा हो, वो 1000 रूट्स सह भी सके। तो जैसे ही आप स्प्लिट होराइजन ऑफ करेंगे हमारी हर ब्रांच के राउटर में इतने सारे रूट्स इंजेक्ट हो जाएंगे। तो उसको कवर देने के लिए हम साथ में रूट समराइजेशन ऑन कर रहे हैं। और ये सब कुछ कर हम यहाँ सिर्फ हब पर ही रहे। रूट समरी का ये फायदा है कि हमें पता है ये सारे प्रीफिक्स 192.168 में है। तो अगर यहां से सिर्फ एक रूट सबको दे दिया जाए और वो रूट ऐसा हो 192.168.0.0/16 और ये सारे के सारे अवेलेबल हैं वाया हब, तो दिस वन रूट इज एनफ फॉर ऑल द ब्रांचेस, क्योंकि उन्होंने जाना ही जब हब के जरिए है एक दूसरे के पास, तो हर एक ब्रांच का स्पेसिफिक रूट रखने में कोई फायदा नहीं है। लिहाजा हर राउटर एक रूट रिसीव करेगा विच विल बी अ ब्रॉडर रूट समरी रूट, और उस समरी रूट के जरिए हर राउटर हर दूसरी ब्रांच के साथ कम्युनिकेट कर सक रहा होगा। तो इस वास्ते हमने रूट समरी ऑन कर दिए। उसके बाद EIGRP के अंदर जो नेक्स्ट हॉप सेल्फ का फीचर है हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, दैट शुड रिमेन एज इट इज। ये आप ना भी दें कमांड तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप सेल्फ ही हो रहा होता है। नेक्स्ट हॉप सेल्फ का मतलब ये है कि जितनी भी ट्रैफिक है वो बिटवीन द ब्रांचेस वो थ्रू हब ही जाए, हब उसका जब रूट आगे एडवर्टाइज करे तो वो वाया में अपना आईपी दे। लेटर ऑन हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट हॉप सेल्फ के फीचर को भी ऑफ करेंगे और वो किस लिए करेंगे। तो सो फार ओनली दीज टू आर रिक्वायर्ड ऑन हब साइड। अब आ जाते हैं स्पोक पे। सो दिस वॉज आवर DMVPN फेज 1 कॉन्फिगरेशन ऑफ हब राउटर। स्पोक की कॉन्फिगरेशन करते हैं हम।
अच्छा जी, हर स्पोक में हम मेक श्योर करेंगे कि ये आईपी हम बदलें, उसका लोकल एड्रेस, और एज्यूमिंग कि उसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है, उसका टनल आईपी बदलेंगे, और ये जो एनएचआरपी की कॉन्फ़िगरेशन है ये अब चेंज होगी और ये स्पोक के मुताबिक की जाएगी। स्पोक के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें मैप और एनएचएस वगैरह कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, पर हमारी जो स्पोक है उसका मोड जीआरई होने जा रहा है बिकॉज दिस इज फेज वन, सो इट इज नॉट मल्टी पॉइंट, रादर इट इज जीआरई। और क्योंकि जीआरई है तो टनल डेस्टिनेशन भी बतानी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर हब राउटर, दी एनबीएमए आईपी ऑफ हब राउटर। उसके बाद अब हम एनएचआरपी कॉन्फ़िगर करते हैं। NHRP network ID must match with the hub router. Authentication NHRP key must match with the hub router. यहाँ पर hub router का logical IP और उसका NVMe IP, उसका mapping create करेंगे statically और NHS define कर देंगे, which is the logical IP of hub router tunnel interface. और आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनेमिक, इंस्टेड हम यहां पर हब का एनबीएमए आईपी भी लिख सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी एनएचआरपी मॉड्यूल की है फॉर स्पोक, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ स्पोक व्हिच इज फॉर फेज वन डिजाइन। ज्यादा फर्क फेज वन, फेज टू, फेज थ्री में जो पढ़ना है वो स्पोक के एंड पे पढ़ना है। तो स्पोक की ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन DMVPN फेज वन कॉन्फ़िगरेशन है। टनल मोड जीआरई है, सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइंड है, सो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस। On hub router, previous सारी configuration remove कर लेते हैं। बल्कि हम टनल जीरो को ही रिमूव कर देते हैं। चलिए जी, R1, दिस गाय इज गोइंग टू बी आवर हब, और ये हमारी हब की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। दिस गाय इज गोइंग टू बी आवर स्पोक of phase one design, और इसी तरह हम एक और स्पोक ले आते हैं। लेट्स सी के इसके अंदर सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट करते हैं। It has got its certificates, और इसमें कुछ और configure remove कर देते हैं interface tunnel zero, और हम bootstrap कर देते हैं इसको, previous कोई भी configuration इसमें ना हो। okay, अच्छा जी, अब इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी।
इसका लोकल एड्रेस 63111 रहेगा आईक में, और इसका जो टनल एड्रेस है वो 172.16.1.3 हो जाएगा. रेस्ट इज ऑल गुड टू गो. अच्छा जी, अब इसको वेरीफाई करना है. तो शो डीएम वीपीएन अगर आप लिखेंगे, शो डीएम वीपीएन, तो वो आपको बता देगा कि इस वक्त आपके कितने पीयर्स हैं जिनके साथ आपकी स्टेट अप है. सो यू हैव 62111 एंड 63111 अप विद यू. अब मेरा अपना टनल इंटरफेस ये है, ये स्पोक टू है, ये स्पोक थ्री है. मेरी उनके साथ पी टू पी कम्युनिकेशन हो रही है. मैं पिंग करता हूं स्पोक टू के पीछे सबनेट को. लेट्स सी इफ वी हैव गॉट रूट्स और नॉट. ये वाली कमांड हमें स्पोक्स में नहीं चाहिए. सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्पोक्स.